चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसपी में नया चैप्टर शुरू करें ना। आज हम लोग एसपी का थर्ड चैप्टर देखेंगे, जो चैप्टर का नाम है हमारा डिबेंचर। डिबेंचर के बारे में आगे के चैप्टर में जैसे हमने शेयर्स के बारे में समझा था ना, तो वैसे ही ये चैप्टर में हम डिबेंचर के बारे में समझेंगे। शेयर्स या डिबेंचर पब्लिक के लिए कहो तो ये एक सर्टिफिकेट की तरह ही होता है, लेकिन कंपनी के लिए अगर बात करें तो कंपनी को जब भी लॉन्ग टर्म एंड लार्ज कैपिटल की जरूरत पड़ती है, एक लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए और बहुत ज्यादा लार्ज कैपिटल की जरूरत पड़ती हो ना, तो कंपनी को वो कैपिटल जमा करने का सबसे आसान तरीका रहता है शेयर्स या डिबेंचर। सबसे इजीली शेयर्स या डिबेंचर के थ्रू कंपनी कैपिटल जमा करती है। लेकिन शेयर्स और डिबेंचर में फर्क है, ये डिफरेंस हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं, आगे के चैप्टर में भी था कि शेयर्स एक तरह से कंपनी के लिए ऑनर्स कैपिटल कहलाता है, खुद का पैसा हुआ एक तरह से, क्योंकि शेयर्स की अमाउंट शेयर होल्डर को रीपेड करना, वापस देना वो कंपलसरी नहीं है, और अगर वापस देनी भी पड़े तो ज्यादातर तब देते हैं जब कंपनी बंद हो, और कंपनी बंद तो होगी ही नहीं, कहते हैं लॉन्ग टर्म तक कंपनी चलती है, और तब तक कंपनी वो शेयर होल्डर्स के पैसे खुद यूज ही करती है। इसीलिए शेयर होल्डर्स या कहो शेयर्स की अमाउंट वो कंपनी के लिए ऑनर्स कैपिटल हो जाता है। उसी के कंपैरिजन में डिबेंचर की हम बात करते हैं ना, तो डिबेंचर कंपनी के लिए बोरोड कैपिटल है, उधार लिया हुआ पैसा, क्योंकि डिबेंचर जब सर्टिफिकेट बनता है ना, एक एग्रीमेंट की तरह बनता है, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ होता है कि डिबेंचर कंपनी का डेब्ट है, कर्जा है वो। डिबेंचर के पैसे वापस देने कंपलसरी है प्री डिसाइडेड ड्यूरेशन में, मतलब पहले ही नक्की होता है कि भाई सपोज 5 साल बाद, 6 साल बाद डिबेंचर के पैसे डिबेंचर होल्डर को वापस देने, और वो कंपलसरी देने पड़ते हैं, है कि नहीं। शेयर्स के ऊपर इंटरेस्ट भी फिक्स नहीं होता, जैसा कंपनी का प्रॉफिट उसके हिसाब से शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है, जबकि डिबेंचर के ऊपर तो इंटरेस्ट भी फिक्स होता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, डिबेंचर होल्डर को तो इंटरेस्ट देना ही देना है कि नहीं। तो सिंपल वे में होता है कि शेयर्स वो कंपनी के लिए ऑनर्स कैपिटल है, डिबेंचर वो बोरोड कैपिटल है। हम इस चैप्टर में उसके बारे में समझेंगे, डिबेंचर के बारे में। सिंपल अगर डेफिनेशन वाइज भी कहो तो डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इश्यूड अंडर कॉमन सील ऑफ द कंपनी एक्नॉलेजिंग द डेब्ट, कि डिबेंचर वो ऐसा डॉक्यूमेंट कहलाता है इश्यू अंडर द कॉमन सील ऑफ कंपनी, जो कंपनी की ही कॉमन सील के अंडर इश्यू होता है। पता है ना, कंपनी के कंपनी जब कोई भी एक्टिविटी करती है तो उसकी एक कॉमन सील होती है, मतलब कि सिंपल अगर कहो तो उसका एक कॉमन जो है वो डॉक्यूमेंट रहता है, जिसके ऊपर कंपनी की सील रहती हो, कंपनी का नाम रहता हो, है ना, पता चलता है कि एक कंपनी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, और उसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंडर में ये डिबेंचर भी इश्यू होता है। एक्नोलेजिंग द डेब्ट, कि ये एक्नोलेज करता है, मतलब नक्की करता है कि ये कंपनी का डेब्ट है, उस सर्टिफिकेट में, उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होता है, डिबेंचर के डॉक्यूमेंट में, कि ये कंपनी का डेब्ट है, कर्जा है, कि भाई कंपनी को इसको रीपे करना कंपलसरी है। शेयर्स की अमाउंट रीपे करना कंपलसरी नहीं होता, जबकि ये कंपलसरी है। डिबेंचर वर्ड ही वैसे बनता है, डिबेंचर वर्ड लैटिन वर्ड डिबर में से बना हुआ है, जिसका मतलब ही होता है डेब्ट, मतलब कर्जा। सिंपल सी बात है कि डिबेंचर जो है वो कंपनी के लिए एक कर्जा ही कहलाए, और डिबेंचर खरीदने वाले लोग वो कंपनी के लिए डिबेंचर होल्डर कहलाए, बरोबर। और अगर डिबेंचर के बारे में सिंपल जानना हो तो डिबेंचर के लिए जैसे ये कुछ बातें कही जाती है, जैसे कहा जाता है कि डिबेंचर इश्यू अंडर द कॉमन सील, जो कंपनी की कॉमन सील होती है, जो कॉमन डॉक्यूमेंट हो, एक कॉमन सील मतलब वही कि भाई कंपनी का एक तरह का वो कहते हैं ना थप्पा जैसे, एक सील बनती है कि जिसमें कंपनी का लोगो हो, कंपनी का डॉक्यूमेंट के ऊपर नाम लिखा हुआ होता है, एड्रेस लिखा हुआ होता है, कंपनी के ऑनर की डिटेल होती है या अदर डिटेल्स उसमें होती है। ये कॉमन सील कि कंपनी का कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट बनता हो उसके ऊपर ये सील लगती ही लगती है। तो डिबेंचर भी कंपनी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये सील के थ्रू पता चलता है, बरोबर ना, कि कंपनी ने ही इश्यू किया है, कोई और जो है वो धोखा देने के लिए इसे इश्यू नहीं कर रहा है, बरोबर, कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के ऑनर अपनी मर्जी से ये डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, इसीलिए वो एक कॉमन सील के अंडर में ही तैयार होता है कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स में। इट इज एक्नोलेजिंग अ डेब्ट, ये एक्नोलेज करता है कि मतलब नक्की करता है कि ये कंपनी का डेब्ट है, ये इससे पता चलता है इस डॉक्यूमेंट से कि ये कंपनी का कर्जा है, कंपनी को वापस देना कंपलसरी है। इन विच टिल द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड, ये कंपनी का डेब्ट कब तक है, जब तक प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कि मेन अमाउंट रीपेड नहीं कर देते।
कि अगर मेरी कंपनी है और मैंने डिबेंचर होल्डर से समझो 5 करोड़ रुपए लिए हैं, तो उनको इंटरेस्ट तो देते ही रहना है, लेकिन जब तक मैं 5 करोड़ रुपए वापस नहीं करूंगा तब तक वो मेरी कंपनी का डेब्ट ही है, बरोबर। जब तक प्रिंसिपल अमाउंट रीपेड नहीं होती, जब तक वो 5 करोड़ में पब्लिक को वापस ना कर दूं, तब तक वो कंपनी का डेब्ट ही कहलाता है। कंपनी के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ ही होता है कि अभी तक कंपनी का कर्जा बाकी है। सपोज 5 में से मैंने 3 करोड़ दे दिए, 2 करोड़ अभी बाकी है, तो अभी भी डॉक्यूमेंट में तो लिखा हुआ ही होता है ना कि ये अभी तक कर्जा है कंपनी का, बरोबर। या फिर इंटरेस्ट एट स्पेसिफाइड रेट इज पेएबल, कि इसमें इंटरेस्ट स्पेसिफाइड रेट, जब डिबेंचर का सर्टिफिकेट बनता है, एक एग्रीमेंट बनता है, उसमें पहले ही नक्की होता है कि इस डिबेंचर पे कितने परसेंटेज का इंटरेस्ट मिलेगा। भाई अगर नक्की हो कि 10% का डिबेंचर है, तो मतलब कि वो डिबेंचर का इंटरेस्ट मुझे कंपलसरी 10% देना ही देना है। ड्यूरेशन भी लिखी गई होती है कि इंटरेस्ट कैसे देना है, क्वार्टरली देना है, मतलब 3-3 महीने में, हाफ ईयरली 6 महीने में, या फिर ईयरली साल में देना है, कैसे इंटरेस्ट देना है वो भी क्लियरली लिखा हुआ होता है, बरबर। तो उसके हिसाब से डिबेंचर होल्डर को वो इंटरेस्ट देना कंपलसरी रहता है। एंड अ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन एसेट्स। हाँ ये एक बात है कि भाई कंपनी का ये डेब्ट है, कर्जा है, तो जो भी डिबेंचर होल्डर्स होते हैं ना, डिबेंचर होल्डर्स को एक तरह की सिक्योरिटी चाहिए होती है। अब सपोज मुझे 5 करोड़ का कैपिटल चाहिए डिबेंचर के थ्रू, अगर मेरी कंपनी चल रही है डिबेंचर के थ्रू 5 करोड़ का कैपिटल चाहिए मुझे, तो मैं पब्लिक को जो है वो बता दूं कि मुझे पैसों की जरूरत है, जिस जिसको डिबेंचर खरीदना हो तो वो खरीदे। अब हर कोई डिबेंचर खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। जैसे अगर आपको मेरी कंपनी के डिबेंचर खरीदने हैं, तो आप भी तो सोचोगे ना कि कंपनी हमारे पैसे लेकर भाग गई तो, बरोबर ना। अगर कंपनी भाग गई तो फ्यूचर में कंपनी को लॉस हो गया, सपोज मुझे लॉस हो गया और मैं आपको 5 करोड़ वापस दे ही नहीं पा रहा हूँ, तो फिर आपको तो रिस्क रहेगा ना कि भाई मेरे पैसे गए, ठीक है ना। तो इस रिस्क से बचने के लिए, या भाई जो डिबेंचर होल्डर हैं उनको एक तरह का विश्वास हो कि हाँ भाई कंपनी पैसे वापस करेगी, इसलिए हर कंपनी उस डिबेंचर के बदले में कोई एसेट पे चार्ज क्रिएट करती है। एसेट पे चार्ज क्रिएट करना मतलब एसेट्स को डिबेंचर होल्डर के नाम पे मॉर्गेज रखती है, एक तरह से गिरवी रखती है। अगर आप मेरे डिबेंचर खरीद रहे हो ना, तो आपको सिक्योरिटी देने के लिए मेरी अगर कंपनी चल रही है, तो मैं बताऊंगा कि देखो भाई मेरे पास ये जमीन पड़ी हुई है, ये देखो इतनी बड़ी मेरे पास जमीन है, जो जमीन करीबन जो है वो 6 करोड़ रुपए की है, इतनी लार्ज जमीन मेरे पास पड़ी है, या दूसरे एसेट्स पड़े हैं। तो जब तक मैं आपको 5 करोड़ वापस नहीं दे दिया, तब तक मैं ये जमीन किसी को बेचूंगा नहीं, बरबर। और अगर बाय चांस फ्यूचर में मेरी कंपनी में लॉस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो ये जमीन बेचकर मैं आपको आपके 5 करोड़ रुपए कंपलसरी वापस दूंगा। समझ आ रही है बात है? तो ये एक तरह का डिबेंचर होल्डर पे विश्वास क्रिएट होता है, तो लोग जो है वो मेरे कंपनी का डिबेंचर खरीदेंगे कि हाँ भाई ये जो है वो एक एसेट रखी हुई है, कि बाय चांस कंपनी को लॉस भी हुआ ना, तो ये एसेट बेचकर आप लोगों को पैसे मिलेंगे। तो डिबेंचर होल्डर शांति से जो है वो रहते हैं ना कि नहीं भाई मेरी अमाउंट सिक्योर पड़ी हुई है, बरबर। इसे कहते हैं कि एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करना। हर कंपनी डिबेंचर के बदले में एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करती है, मतलब वो एसेट्स को एक तरह से गिरवी रखती है, एक कंडीशन क्रिएट करती है कि वो एसेट जब तक डिबेंचर के पैसे वापस न दिए जाए, वो एसेट्स किसी को बेची नहीं जाएगी, उसके ऊपर और कोई एक्टिविटी नहीं होगी। एक्टिविटी मतलब किसी को रेंट पे देना, किसी को सेल कर देना, और कुछ करना, काम तो चल ही रहा है समझो। उस जमीन पे फैक्ट्री बनी हुई है, वो फैक्ट्री तो चलेगी ही चलेगी, है ना, खाली नहीं रखेंगे, पर वो और किसी को सेल नहीं करेंगे। कि बाय चांस अगर फ्यूचर में लॉस हो रहा है, तो ऐसी एसेट्स बेचकर डिबेंचर होल्डर को पैसे मिलेंगे, बरबर। तो डिबेंचर होल्डर की सिक्योरिटी के लिए उनके एसेट्स पे कोई एक एसेट पे चार्ज क्रिएट किया जाता है, बरबर। तो ये डिबेंचर के कैरेक्टरिस्टिक की तरह हुआ ना, ये सब बातें ध्यान में रखता है ना। अब जैसे डिबेंचर की ये बातें ध्यान दी, तो वैसे ही आता है एक टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कि डिबेंचर के टाइप्स आते हैं। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कंपनी सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग तरह के डिबेंचर क्रिएट करती है। तो कौन कौन से डिबेंचर आते हैं, जैसे अगर समझे, सबसे पहला आता है मॉर्गेज डिबेंचर। मॉर्गेज डिबेंचर, मॉर्गेज मतलब क्या, तो एक तरह से वही ना कि भाई कोई चीज गिरवी रखना। जब कोई डिबेंचर पर कोई एसेट्स चार्ज की जाती हो, जैसे यहाँ पे हमने समझा, कोई एसेट चार्ज की जाती हो डिबेंचर होल्डर के सामने, कोई एसेट्स गिरवी रखी जाती हो, तो ऐसे डिबेंचर को हम लोग कहते हैं मॉर्गेज डिबेंचर। और कंपनी, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं,
डिबेंचर के लिए जब एक ट्रस्टी क्रिएट किया जाता है, हर डिबेंचर के लिए एक ट्रस्टी क्रिएट किया जाता है, आगे आएगा वो उस पॉइंट पे बाबा। अभी अगर समझा रहा हूँ कि डिबेंचर के लिए एक ट्रस्टी क्रिएट करते हैं कि भाई ट्रस्टी मतलब जिस पे पब्लिक ट्रस्ट कर सके कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुई ना, जो डिबेंचर होल्डर्स हुए पब्लिक हुई, तो वो सोचते हैं कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं कंपनी में इसको जाके पकड़ूंगा या इसे जाकर जो है वो ध्यान दूंगा कि ये डिबेंचर का ट्रस्टी है। तो वो ट्रस्टी है ना, वो नक्की करता है डिबेंचर होल्डर की सिक्योरिटी के लिए कि हम ये एसेट्स को चार्ज पे रखते हैं, मॉर्गेज पे रखते हैं, बरबर। तो सिंपल वे में अगर समझो कि जिस डिबेंचर पे कोई एसेट्स मॉर्गेज रखी गई है, कोई एसेट्स गिरवी रखी गई है, ऐसे डिबेंचर को हम लोग कहते हैं मॉर्गेज डिबेंचर। और कंपनी ऑलमोस्ट ऐसे डिबेंचर ही क्रिएट करती है, बरबर। ये मॉर्गेज डिबेंचर हुआ। या दूसरा आता है फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, देखो डिबेंचर की टाइम ड्यूरेशन फिक्स होती है ना, जैसे पहले भी बताया डिबेंचर ड्यूरेशन वाइज क्रिएट होता है, डेब्ट है ये, कि डिबेंचर का सर्टिफिकेट बनता है उस पर लिखा हुआ ही होता है कि सपोज 5 साल का डिबेंचर है तो मतलब 5 साल के बाद कंपनी को डिबेंचर होल्डर के पैसे रीपेड करने हैं, रिडीम करने, बाद कंपलसरी वापस देने हैं उसको। तो ऐसे में कंपनी जो है वो डिबेंचर होल्डर के सामने ऑप्शन रखती है कि या तो फिर आप लोग पूरे ही जो है वो पैसे ले लो, सपोज के आप लोगों ने मेरी कंपनी के 5 करोड़ के डिबेंचर खरीदे हैं, वही एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपने 5 करोड़ के डिबेंचर खरीदे हैं और 5 साल का है भाई, 5 साल के बाद मुझे आपको पैसे वापस देने हैं, तो उस वक्त मैं ऑप्शन दूंगा आपको कि या तो आप लोग 5 करोड़ रुपए पूरे ले लो, या तो फिर उस डिबेंचर को मैं इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके 5 करोड़ के इक्विटी शेयर्स आपको दे दूंगा, बरबर। उस डिबेंचर को कन्वर्ट करके 5 करोड़ के इक्विटी शेयर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऐसे डिबेंचर को हम लोग कहते हैं फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, कि जब डिबेंचर को उसके रिडीम पीरियड के वक्त, मतलब जब डिबेंचर का रीपेड करना है, वापस देने है रिबेंट, उस वक्त डिबेंचर के पैसे नहीं दिए जाते पर उसके बदले में डिबेंचर के पूरे ही शेयर्स दिए जाते हैं। 5 करोड़ के डिबेंचर हैं तो उसके बदले में 5 करोड़ के इक्विटी शेयर्स दे दिए जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब उसमें जो डिबेंचर होल्डर होते हैं ना, वो अब से डिबेंचर होल्डर नहीं रहे, वो अब से क्या बन जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर बन जाते हैं, बराबर ना। और उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो जो फायदे होते हैं वो सब फायदे उन्हें मिलते हैं, बराबर। पहले डिबेंचर होल्डर के सब फायदे थे, फिर फुल्ली कन्वर्टेबल कर दिया जाता है, मतलब उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है कि अब आपको डिबेंचर की जगह शेयर्स दे दिए जाते हैं, तो अब आपको शेयर्स के सब फायदे मिलेंगे कि जितना प्रॉफिट ज्यादा उतना आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, बराबर ना। कि शेयर्स की प्राइस, कंपनी की प्राइस बढ़ रही है तो शेयर की प्राइस भी बढ़ती रहेगी, समझ आ रही है बात। तो ऐसे डिबेंचर को फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हैं। सिंपल सी बात, जब रिडीम के वक्त डिबेंचर को कंप्लीटली शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, शेयर डिबेंचर होल्डर को पैसे नहीं देते पर उसके बदले में उस अमाउंट के शेयर्स दे दिए जाते हैं, तो उसे फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हैं। या दूसरा आता है उसी के हिसाब से पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, जैसे नाम है पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, मतलब जब जो है वो डिबेंचर का रिडीम का टाइम आता है, जब डिबेंचर के पैसे वापस देने हो तो उसमें पूरे पैसे वापस नहीं देते, आधे पैसे दे दिए जाते हैं और आधों को शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो पार्टली कन्वर्टेबल, जैसे डिबेंचर होल्डर की इच्छा। जबरदस्ती नहीं होता कि नहीं आपको कंपलसरी शेयर से देने हैं, बरबर ना, आपको पैसे नहीं आपको शेयर से दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है शुरुआत में, जब डिबेंचर का एग्रीमेंट बनता है पहले ही लिखा हुआ होता है कि भाई वो फुल्ली कन्वर्टेबल है कि पार्टली कन्वर्टेबल है। पार्टली कन्वर्टेबल में ऐसे होता है कि भाई उसमें डिपेंड होता है, सपोज आपने 5 करोड़ के डिबेंचर लिए हैं मेरी कंपनी के, तो जब पैसे वापस करने होंगे तो हो सकता है कि 5 करोड़ में से मैं आपको 3 करोड़ रुपए कैश दे दूं, 3 करोड़ कैश में वापस कर दूं, बरबर, और 2 करोड़ के आपको शेयर्स दे दूंगा फिर, बरबर। उसे पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हैं। ये भी होता है कि 5 करोड़ जो है वो कोई एक ही इंसान नहीं खरीदता है भाई, डिबेंचर होल्डर बहुत सारे होते हैं, बरबर, सबने अलग अलग अमाउंट के डिबेंचर्स खरीदे होंगे, तो उसमें से कुछ अमाउंट उनको कैश दे दी जाएगी तो कुछ अमाउंट के शेयर्स दे दिए जाएंगे, ठीक है, डिपेंड ऑन एग्रीमेंट, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। या दूसरा आता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नाम ही है नॉन कन्वर्टेबल, के जिनको शेयर्स में कन्वर्ट ही नहीं किया जा सकता,
कि जिन्हें कंपलसरी डिबेंचर के रिडीम का जब टाइम आता हो तो उसे कंप्लीट रिडीम कर दिया जाता है, पूरे ही पैसे दे दिए जाते हैं, ठीक है, उन्हें शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करते, डिबेंचर होल्डर को पूरे ही पैसे वापस दे देते हैं, उसे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हैं, बराबर। कंपनी सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग तरह के डिबेंचर क्रिएट करती है। अब डिबेंचर के टाइप्स तो देख लिए, अब एक मेन पॉइंट आता है हमारे चैप्टर का, जो आता है प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर, कि कोई भी कंपनी अगर डिबेंचर इश्यू कर रही है तो उसकी क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स है, वो स्टेप्स समझ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना ध्यान से, कि जैसे प्रोसीजर में समझे ना, सबसे पहला पॉइंट आता है रिजोल्यूशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना, तो भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जब रिजोल्यूशन क्रिएट होता है, समझो देखो जब कंपनी शुरू होती है ना तो उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्रिएट होता है, ये आप लोग 11th में भी पढ़ते थे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब सिंपल अगर कहो तो कंपनी की रूल बुक होती है, जब भी कंपनी शुरू हो तो उसकी एक रूल बुक तैयार की जाती है जिसमें सब लिखा हुआ होता है, सब डिटेल, ये भी बात उसके अंदर लिखी गई होती है कि अगर कंपनी को कभी बोरोड कैपिटल की जरूरत पड़ी तो वो डिबेंचर के थ्रू बोरोड कैपिटल लेंगे या नहीं लेंगे, ये उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल बुक में लिखा हुआ होता है, बरबर, कि अगर बोरोड कैपिटल उधार पैसे मिले या जरूर पड़ी फ्यूचर में कभी भी, तो वो डिबेंचर के थ्रू उधार लेंगे कि बैंक के थ्रू उधार लेंगे या किसी और के थ्रू उधार लेंगे, बोरोड कैपिटल के बहुत सारे सोर्सेस हैं, तो डिबेंचर इश्यू कंपनी करेगी या नहीं ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होता है, और अगर पहले ही कंपनी ने लिखा है अपनी रूल बुक में कि हाँ डिबेंचर इश्यू कर सकती है और जरूर पड़ रही है कि अब भाई बिजनेस में पैसों की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, डिबेंचर इश्यू करने पड़ेंगे भाई हमें, तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रिजोल्यूशन क्रिएट होता है, मतलब मीटिंग होती है, सबकी वोटिंग होती है कि भाई हमें डिबेंचर इश्यू करना है या नहीं, और अगर करना है तो कितने डिबेंचर इश्यू करने हैं, कितनी अमाउंट के होने चाहिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा, उस डिबेंचर को कितने टाइम में वापस देना है, ये सब बातें जो जो है, कि उसके ऊपर एसेट्स अगर चार्ज रखनी है तो कितनी एसेट चार्ज रखनी है, ये सब बातें वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में डिसाइड करते हैं, एक रिजोल्यूशन क्रिएट होता है, रिजोल्यूशन मतलब कि एक जो है वो सपोज सबका जो है वो कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाता है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाँ कहेगा, कोई ना कहेगा, वोटिंग होगी, अगर कोई ना बोल रहा है तो क्यों ना बोल रहा है, उसके रीजंस जाने जाएंगे, बरोबर। तो सिंपल सबसे पहला होता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी के ऑनर्स वो आपस में मीटिंग करते हैं कि डिबेंचर इश्यू करने हैं कि नहीं, और अगर करने हैं तो कितने, कितनी अमाउंट के, इंटरेस्ट कितना, ड्यूरेशन कितना, एसेट्स कौन सी चार्ज रखेंगे, ठीक है, ये सब बातें डिसाइड होती है। अगर उसमें राइट हो जाता है कि हाँ भाई कंप्लीट इतने डिबेंचर इतने परसेंटेज पे इतने टाइम पे हमें इश्यू करने हैं, तो जब ये हो जाता है ना तो उसके बाद का पॉइंट आता है रिजोल्यूशन बाय जनरल मीटिंग। फिर एक जनरल मीटिंग होती है जहां जनरल मीटिंग में कंपनी के अदर ऑनर्स, कंपनी के एम्प्लॉयज, उन सबको भी बुलाया जाता है। कंपनी के ऑनर्स मतलब कि कंपनी के शेयर होल्डर्स, देखो भाई डिबेंचर है ना बोरोड कैपिटल है, उधार है, कंपनी अगर उधार ले रही है मतलब कंपनी पे कर्जा बढ़ा, अगर कंपनी पे कर्जा बढ़ रहा है तो जो कंपनी के दूसरे ऑनर्स होंगे वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ना कि आप क्यों कर्जा ले रहे हो, कंपनी में लॉस हो रहा है क्या, क्या हो रहा है, मतलब अगर मेरी कंपनी चल रही है और शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उन्होंने पैसे दिए हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर तो कंपनी के ऑनर कहलाते हैं ना, बरबर, तो उन्होंने पैसे दिए हैं, और अगर मुझे अब डिबेंचर के भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना आवाज उठाएंगे कि यार मैंने पैसे दिए थे वो कहाँ किए, क्यों दूसरा उधार ले रहे हो, और उधार लेने पर कंपनी को लॉस हुआ तो हमारे पैसे भी डूब जाएंगे, शेयर होल्डर्स प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ना भाई, या कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे वो भी कहेंगे कि क्यों उधार ले रहे हो भाई, सरकार भी पूछेगी, पर बहुत से लोग पूछते हैं, कस्टमर पूछते हैं कि कंपनी को उधार की क्यों जरूरत पड़ी भाई, कोई नया वेंचर शुरू करना है, कोई नई एक्टिविटी करनी है कि कोई लॉस में हो इसलिए उधार ले रहे हो, भाई हर कोई आवाज उठाता है कि आप उधार पैसे क्यों ले रहे हो, सही बात ना, हमारे घर में ही कभी अगर हम बाहर से उधार लेते हैं तो पहले क्वेश्चन क्यों उधार ले रहे हो, अपने पैसे नहीं है क्या, सिंपल सी बात, तो बड़ी कंपनी में भी तो आवाज उठाने वाले बहुत है ना, तो इसलिए जब पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर लेते हैं ना कि हाँ डिबेंचर इश्यू करने हैं, तो एक जनरल मीटिंग होती है जिसमें कंपनी के एम्प्लॉयज, कस्टमर, शेयर होल्डर्स, कितनी बार गवर्नमेंट की कुछ अथॉरिटीज, उन सब से भी सजेशन लिया जाता है कि बोरोड कैपिटल डिबेंचर के थ्रू लेना है या नहीं लेना है, अगर उनमें भी सब हाँ बोलते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, अगर उनमें ही मना कर दिया जाता है
बात खत्म, फिर बोरोड कैपिटल नहीं लेना है। अगर कोई डिबेंचर होल्डर या काफी डिबेंचर होल्डर शेयर होल्डर सॉरी काफी शेयर होल्डर्स अगर आवाज उठाते हो कि नहीं, बोरोड कैपिटल नहीं लेना है कंपनी को, तो उनकी बात माननी पड़ती है भाई, कंपनी को दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा कुछ पैसे लेने का। अरे बात ध्यान, तो इसलिए सेकंड पॉइंट, एक जनरल मीटिंग होती है, उसमें क्लैरिफाई होता है कि हाँ डिबेंचर इश्यू करने हैं कि नहीं। अगर उसमें भी क्लियर हो गया तो फिर आता है परमिशन ऑफ सेबी, सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी ना भाई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर्स डिबेंचर म्यूचुअल फंड इन सबको हैंडल करती है, तो उससे तो परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम डिबेंचर इश्यू करने वाले हैं। जो कंपनी एक्ट होता है उस कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग सेबी के कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स मानने पड़ेंगे, उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके सब रूल्स माने, सेबी अप्रूव करता है तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो जब पहले खुद ऑनर से परमिशन हो जाती है, फिर शेयर होल्डर से परमिशन, एम्प्लॉय से परमिशन मिल जाती है, फिर सेबी से परमिशन लेते हैं, वो भी अगर हाँ बोलता है तो नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं कि टू इश्यू प्रॉस्पेक्टस। अब जब सबने हाँ बोला, नक्की हो गया कि चलो भाई अब डिबेंचर इश्यू करना है, तो अब पब्लिक के सामने एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब पब्लिक को बताया जाता है कि चलो भाई हम डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, जिस जिसको डिबेंचर खरीदना है आप खरीदो। अब तो उसके लिए पब्लिक के सामने डिबेंचर का प्रॉस्पेक्टस रखा जाता है। प्रॉस्पेक्टस किसे कहते हैं? तो प्रॉस्पेक्टस मतलब सिंपल, सबसे आसान भाषा में हम कहते हैं एक तरह का मेनू कार्ड। ठीक है, आप जब होटल में जाते हो तो होटल का मेनू कार्ड मिलता है ना, कि भाई सब लिखा हुआ होता है, क्या क्या उसमें आइटम्स है, कितनी प्राइस है, क्या डिटेल है सब। ठीक है, उसे प्रॉस्पेक्टस कहते हैं एक तरह का। या चलो, और ये तो बहुत सिंपल, क्या है, सपोज आपको स्कूल या कॉलेज में जाते हो, तो पता स्कूल और कॉलेज की उनकी एक बुक होती है, आपको स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हो, कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो पहले आपको वो कॉलेज की बुक दिखाते हैं कि देखो भाई हमारे कॉलेज में ये सब फैसिलिटीज है, हमारे कॉलेज में ऐसे ऐसे फंक्शंस होते हैं, इतने क्लास है, इतने कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनकी सब एडवर्टाइजमेंट वाली एक बुक होती है ना, उसे कहते हैं उसका प्रॉस्पेक्टस। तो वैसे ही कंपनी भी डिबेंचर का प्रॉस्पेक्टस इश्यू करती है, पब्लिक के सामने एक तरह की बुक रखती है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि कंपनी क्यों डिबेंचर इश्यू कर रही है, कितना डिबेंचर है, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, फायदा क्या होगा, कंपनी डिबेंचर के पैसे कहाँ यूज करेगी, ये सब बातें पब्लिक को सिंपल कहो तो अट्रैक्ट करने के लिए ये एक प्रॉस्पेक्टस तैयार किया जाता है, कि पब्लिक अट्रैक्ट होती है, यार इतने अच्छे हैं यार ये डिबेंचर से, तो हमें भी इतना फायदा होगा, कंपनी भी इतना बड़ा काम कर रही है, ठीक है हम इसके डिबेंचर खरीदेंगे। प्रॉस्पेक्टस देख के पब्लिक तैयार होते हैं ना कि हाँ अब हम इस कंपनी के डिबेंचर खरीदेंगे। तो कंपनी वो प्रॉस्पेक्टस इश्यू करती है कि जिससे पब्लिक डिबेंचर खरीदने के लिए तैयार हो। ये हो जाए, देन अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर। मैंने बताया ना, कंपनी जो है वो डिबेंचर के ट्रस्टी क्रिएट करती है, ट्रस्टी वो कि जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके। अब डिबेंचर होल्डर होते हैं तो वो तो पहले अगर उन्हें कोई भी तरह के फ्यूचर में प्रॉब्लम हुई डिबेंचर होल्डर को, तो वो किसके पास जाएंगे? कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, ऑनर होते हैं, 10 तो ऑनर होते हैं, 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुए, कितने सारे मैनेजर सीईओ हुए, अगर कोई प्रॉब्लम हुई डिबेंचर रिलेटेड, तो पब्लिक के सामने फेस कौन सा आएगा, कौन सा फेस आएगा, कौन पब्लिक के सामने जवाब देगा? तो वो एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, जो उनके सर्टिफिकेट में, जब डिबेंचर का सर्टिफिकेट एग्रीमेंट बनता है, सेबी को भी बताना पड़ता है कि हमने ये ट्रस्टी रखा है, डिबेंचर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई तो पब्लिक को जवाब देने वाला इंसान ये है। अगर सपोज कि डिबेंचर के पैसे वापस नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो जवाब ये देगा, जेल में ये जाएगा, कोर्ट के धक्के ये खाएगा, ठीक है ना, ऐसा एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है कि जिसके ऊपर पब्लिक ट्रस्ट कर रही है कि हाँ मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो ये बैठा है भाई, बरबर ना, तो कंपनी ऐसा एक ट्रस्टी क्रिएट करती है। ये भी हो जाए तो फिर आता है एग्रीमेंट विद अंडर राइटर्स। हाँ, फिर कंपनी जो है वो अंडर राइटर क्रिएट करती है। अंडर राइटर कौन? तो देखो, जब सेबी का जो है ना रूल आता है, डिबेंचर्स के लिए भी, शेयर्स के लिए भी, या पहले भी पढ़ते थे कि जब भी कंपनी कोई नए डिबेंचर जो है वो इश्यू कर रही है ना, या नए शेयर्स इश्यू करती है, तो सेबी का रूल आता है कि पहली बार में उसके इतने परसेंटेज शेयर्स या इतने परसेंट डिबेंचर पब्लिक को खरीदना कंपलसरी है। तो अगर पब्लिक जो है वो उसके इतने परसेंटेज शेयर्स नहीं खरीद पा रही है, तो फिर सेबी उसे शेयर मार्केट में एंट्री नहीं देता। ठीक है, जैसे डिबेंचर के लिए कहते हैं 80% डिबेंचर पब्लिक को खरीदने, अब कि अगर सपोज मैंने 5 करोड़ के डिबेंचर इश्यू किए हैं, तो पहली बार में ही, जो उनका ड्यूरेशन होता है एक आध हफ्ते का, कि
कि फर्स्ट टाइम अगर मैं डिबेंचर इश्यू कर रहा हूँ तो 80% मतलब करीबन जो है वो 4 करोड़ जितने डिबेंचर पब्लिक को पहली बार में ही खरीद लेने हैं। अगर पब्लिक मेरे 4 करोड़ तक के डिबेंचर नहीं खरीद रही है ना, तो सेबी मुझे वापस भेज देती है कि नहीं भाई, आप शेयर मार्केट में डिबेंचर इश्यू नहीं करोगे। ठीक है, तो ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, मैं तो आगे काम ही नहीं कर पाऊंगा अगर पब्लिक नहीं खरीद रही है तो। फिर तो इसीलिए हमें एक अंडरराइटर रखना पड़ता है। अंडरराइटर वो पर्सन होता है एक तरह के सपोर्टर की तरह, वो होता है जैसे कोई बैंक हो गई, बड़े इंस्टीट्यूट हो गए, उसे हम कहते हैं कि तुम अंडरराइटर रहना। कि जैसे रूल है कि 5 करोड़ में से 4 करोड़ के डिबेंचर खरीदना कंपलसरी है, पब्लिक खरीदनी चाहिए, तो ये अंडरराइटर ये कहता है, उसके साथ हम एग्रीमेंट बना लेते हैं कि भाई पब्लिक ने जितने डिबेंचर खरीदे सो खरीदे, बाकी जितने डिबेंचर अगर नहीं खरीद रही है पब्लिक, तो ये अंडरराइटर हमारा डिबेंचर खरीदेगा, जो बैंक हो, इंस्टीट्यूट हो या कोई भी हो। क्योंकि रूल आता है कि 4 करोड़ के डिबेंचर मेरे पब्लिक खरीदनी चाहिए, और अगर वो नहीं खरीद रही है तो ये अंडरराइटर, सपोज पब्लिक ने 3 करोड़ के ही डिबेंचर खरीदे, तो सेबी तो मुझे वापस भेज देगा कि नहीं इश्यू करने हैं आपको डिबेंचर। सही बात ना, सेबी वापस कर देगा मुझे। तब उस वक्त अंडरराइटर सपोर्ट करता है कि चलो पब्लिक ने 3 करोड़ के डिबेंचर खरीदे ना, बाकी 1-1.5 करोड़ के मैं खरीद लूंगा, तो सेबी का रूल तो फुलफिल हो गया ना, बराबर। तो ऐसा एक अंडर राइटर, एक सपोर्टर अपॉइंट करना पड़ता है, उसके साथ एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। अगर पब्लिक ही मेरे 4 करोड़ के 5 करोड़ के डिबेंचर खरीद लेती है तो अंडर राइटर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, अगर बाय चांस पब्लिक नहीं खरीद रही है तो ये अंडर राइटर सपोर्ट करता है। जब इनके साथ भी एग्रीमेंट बन जाता है तो फिर टू ओपन एन अकाउंट विद शेड्यूल बैंक, फिर कोई एक बैंक के साथ अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है डिबेंचर के लिए, एक अलग अकाउंट के, जिसमें जो भी डिबेंचर होल्डर हमें अपॉइंट, मतलब जो एप्लीकेशन भेजेंगे है ना, जो भी एप्लीकेशन भेजेंगे कि हमें भी डिबेंचर चाहिए, उसके रिगार्डिंग वो कुछ पैसे भेजेंगे हमें, ठीक है, तो उन सब का कोई बैंक के साथ तो ट्रांजेक्शन चाहिए ना, कि जिस बैंक में डिबेंचर के सब पैसे आते हो, कभी वापस करने तो उसके पैसे हम लोग वापस करते हो, समझ आ रही है बात है? तो उसके लिए एक शेड्यूल बैंक में, एक सिंपल बैंक में एक नया अकाउंट शुरू करवाएंगे कि जिसमें पब्लिक के पैसे आ सके। देन रजिस्ट्रेशन इन स्टॉक एक्सचेंज, ये भी हो जाए कि भाई चलो पब्लिक ने जो है वो एप्लीकेशन भेज दी। आपको याद है, आप अकाउंट में भी ऐसे पढ़ते हो कि कोई भी शेयर्स हैं, डिबेंचर होते हैं, उसकी अमाउंट टुकड़ों में मंगवाई जाती है। अगर मैं डिबेंचर इश्यू कर रहा हूँ, सपोज 100 रुपये का एक डिबेंचर है, तो मैं पहले पब्लिक को कहूँगा कि चलो भाई जिस जिस को डिबेंचर खरीदने हैं तो 100 में से पहले 30 रुपये भेजो, एप्लीकेशन भेजो एक तरह की, कि भाई किसको किसको डिबेंचर चाहिए, बराबर ना, 100 में से 30 रुपये भेजो आप लोग भाई। तो इसलिए पूरी पब्लिक जो है वो 30-30 रुपये भेजती है ना, जिस जिसको डिबेंचर चाहिए हो। अब मैंने सपोज डिबेंचर ही इश्यू किए हैं 10 लाख, 10 लाख डिबेंचर इश्यू किए और सबको कहा कि भाई जिस जिसको डिबेंचर चाहिए आप लोग जो है वो एप्लीकेशन भेजो। अब 10 लाख की जगह मेरे पास 15 लाख एप्लीकेशन आ गई, 15 लाख लोग तैयार हैं मेरा डिबेंचर खरीदने के लिए, बराबर। तो एक्स्ट्रा जो भी लोग होते हैं उनको उनके पैसे वापस देने होते हैं ना, कि भाई सॉरी मेरे पास 10 लाख डिबेंचर ही है, बाकी के 5 लाख जो एक्स्ट्रा लोग होंगे भाई आपको आपके पैसे वापस भाई, ठीक है ना, आपके आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, वैसा ही होता है ना प्रोसीजर। तो इसलिए जब एप्लीकेशन के पैसे आते हैं वो शेड्यूल बैंक में आते हैं, और एप्लीकेशन के पैसे अगर बरोबर आ गए, जैसे रूल है 80% लोगों को खरीदने चाहिए, अगर उसके हिसाब से एप्लीकेशन के पैसे आ जाते हैं तो फिर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आपको जाना है स्टॉक एक्सचेंज में 2 टाइप आते हैं, NSE और BSE। शेयर मार्केट का अगर ध्यान हो तो 2 पार्ट आते हैं ना, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आता है। तो हमारा डिबेंचर कहाँ रजिस्टर होगा, NSE में रहेगा कि BSE में, कि दोनों में रहेगा, वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बराबर, ये रजिस्ट्रेशन तब होता है जब सेबी की कंडीशन, जो 80% मिनिमम डिबेंचर की एप्लीकेशन मिलनी चाहिए, उसके हिसाब से अगर एप्लीकेशन मिली है तो रजिस्ट्रेशन करवाते। अगर वो नहीं मिली, सपोज 80% की जगह 60% लोगों ने ही हमारा डिबेंचर खरीदा है और अंडर राइटर भी सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो फिर सेबी हाथ जोड़ के मना करते हैं कि सॉरी आपके डिबेंचर नहीं इश्यू हो पाएंगे, और कह देती है कि जिस जिसके जो 60% भी पैसे मिले हैं ना, सबके पैसे वापस कर दो भाई, डिबेंचर के जितने पैसे भी लिए वो भी वापस कर दो, आपके डिबेंचर आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है, मना कर देती है सेबी उसमें। और अगर कंफर्म है तो वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होता है। फिर इनके बाद टू प्रिपेयर अलॉटमेंट रजिस्टर फॉर डिबेंचर,
फिर डिबेंचर का अलॉटमेंट किया जाता है, उसका रजिस्टर बनाया था। अलॉटमेंट मतलब कि भाई किस किस के डिबेंचर कंफर्म हुए हैं, वो अलॉटमेंट यहाँ पर होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि मैंने 10 लाख डिबेंचर रखे हैं, पर मुझे एप्लीकेशन मिल गई 15 लाख डिबेंचर, 15 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दी, तो उसमें से मैं तो 10 लाख को ही डिबेंचर दूंगा ना भाई, 5 लाख को हाथ जोड़ के मना करूंगा। ठीक है ना, कि नहीं भाई डिबेंचर नहीं है हमारे पास एक्स्ट्रा, सही बात क्या? नहीं तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नक्की करता है कि किस किस को अलॉट करना है, कौन से 10 लाख रखना है, कौन से 5 लाख को वापस करना है हमें, बरबर। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नक्की करता है, और कंपनी का जो CS होता है, कंपनी सेक्रेटरी जो CS होता है, वो ये रजिस्टर तैयार करता है कि इन लोगों को हमने डिबेंचर दिए हैं, तो इनको ये हमारे बिजनेस का कर्जा है, इनको पैसे वापस करने पड़ेंगे भाई। ठीक है ना, उन सब डिबेंचर होल्डर का नेम, वो रजिस्टर, वो एक CS मेंटेन करता है। तो जब अलॉटमेंट हो गया, जिनको नहीं अलॉट हुआ उनके पैसे वापस कर दिए, सॉरी भाई डिबेंचर खत्म हो गए। ठीक है ना, उनके पैसे वापस। सो फाइनल आता है फिर डिबेंचर सर्टिफिकेट, फिर कंपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट तैयार करती है, एग्रीमेंट तैयार करती है, और जो जो डिबेंचर होल्डर हैं जिनको अलॉटमेंट हुआ उन सबको वो सर्टिफिकेट उनको पहुंचाती है, उनको मेल कर दिया जाता है कि भाई आपके जो है वो डिबेंचर कंफर्म हुए, ये रहा आपका एग्रीमेंट, जिस एग्रीमेंट में ये सब बातें लिखी गई होती कि आपको कितने पैसों का डिबेंचर है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कब इंटरेस्ट मिलेगा, एसेट्स कौन सी रखी हुई है आपके डिबेंचर के बदले में। ठीक है, ये सब बातें उस सर्टिफिकेट में होता है कि पब्लिक को दे दिया जाता है, लो भाई आपके डिबेंचर का सर्टिफिकेट। समझ आ रही बात है? इस तरह से डिबेंचर इश्यू किए जाते हैं ना। अरे ध्यान, तो देखो आज डिबेंचर के बारे में ये पॉइंट समझा ना कि कैसे डिबेंचर की एक्टिविटी होती है। अब इसी के रिगार्डिंग एक दो और पॉइंट, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।